हेलो दोस्तों, कैमरामैन कयूम के साथ मैं अनुराग गुप्ता, नवी मुंबई महाराष्ट्र से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे पास मदरबोर्ड आया हुआ है जो कम्बो है, मदरबोर्ड कम्बो है जिसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, 50 इंच का है दोस्तों। तो मैं टीवी को चालू कर लेता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों कभी भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर में कैसे सर्टिफाइड किया जाता है और किस तरह से सॉफ्टवेयर किया जाता है यूएसबी द्वारा। तो मैं टीवी को ऑन था तो चालू कर लिया हूँ। लोगों पे हैंग है दोस्तों, देखने का कोशिश करेंगे। ये स्टार सेट है और बिजिटम शेयर पे आके रुका हुआ रहता है लोगों पे, बिजिटम शेयर लोगों पे हैंग है दोस्तों। तो मॉडल नंबर कैमरामैन दिखाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो आप देखने का कोशिश करेंगे, इस पे मॉडल नंबर है TP.HB553.PC821। तो दोस्तों ये बिजिटम शेयर लोगों पे हैंग है, तो आप देखने का कोशिश करेंगे बिजिटम शेयर लोगों पे हैंग है, 10 से 15 मिनट लोगों पे हैंग रहता है, उसके बाद ये स्टैंड बाई में चला जाता है। तो हमारे पास ये पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर है, तो हम दिखने का कोशिश करेंगे। कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा पीसी में, हमारा लैपटॉप में। तो देखने का कोशिश करेंगे, हमारे पास है रार फाइल, तो मैंने स्टार्ट किया है तो इसको फाइल बन के आया है। तो मॉडल नंबर देखने का कोशिश करेंगे HB553.PC821, 18 GB का इसका है, सैमसंग रिमोट इसमें चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखने का कोशिश करेंगे, कॉम्बो बोर्ड है 4K, कॉम्बो बोर्ड है 4K। तो मैं इसको सॉफ्टवेयर करूँगा पेन ड्राइव द्वारा। तो आपको पता है पेन ड्राइव द्वारा मैंने इसमें पेन ड्राइव में दोस्तों कर लिया है, समय को बचत करते हुए, क्योंकि पेन ड्राइव में मैं 1.5 GB का फाइल है दोस्तों। इस पर देखे कैमरामैन दिखाइएगा, 1.59 है, यानी 2.25 GB 160 MB का है दोस्तों, 1 GB 60 MB का है, 1.5 GB यानी मान लो जी। तो पेन ड्राइव में है दोस्तों सॉफ्टवेयर। तो कभी भी दोस्तों पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर करने के लिए मैं आपको फार्मूला बता दूं कि 4 GB से आपका प्लस में पेन ड्राइव होना चाहिए, यानी यूएसबी आपके पास, पेन ड्राइव वाली यूएसबी आपके पास 4 GB से प्लस में होना चाहिए। अधिकतर लोग 8 GB 16 GB का यूज करते हैं, तो आपके पास भी हाई क्वालिटी का 8 GB या 16 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। और इसमें बत्ती जो जलता है, बत्ती जलने वाला पेन ड्राइव होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं कि लोग पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर करते हैं और सॉफ्टवेयर होता रहता है, उनको पता नहीं चलता कि सॉफ्टवेयर कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें बत्ती जलती रहती है, और बत्ती वाला पेन ड्राइव लें तो भी आपका जलेगा, तो आपको पता रहता है कि बत्ती जल रही है तो हमारा पेन ड्राइव द्वारा सॉफ्टवेयर हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें हमने बता दिया और लोगों पे हैंग है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा कि टीवी को बंद कर लूँगा। तो कभी भी टीवी को एसी करंट हमने निकाल दिया इसको दोस्तों, अब ये बंद हो चुका है। तो मैंने ये पेन, ये मदरबोर्ड टेस्टर है दोस्तों, तो मैंने HDMI से आउट करके एक हमने टीवी में लगा दिया है, ओनिडा की 24 इंच है उसमें लगा दिया ताकि बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यूएसबी में लगाऊंगा दोस्तों। कभी भी पेन ड्राइव द्वारा यूएसबी में सॉफ्टवेयर करते हैं तो 90 से 95% USB 1 से सॉफ्टवेयर किया जाता है दोस्तों। पेन ड्राइव वाली सॉफ्टवेयर 90 से 95% USB 1 में लगाया जाता है। और तो मैं क्या करूँगा कि वो USB 1 में लगाऊंगा। अगर USB 1 से नहीं लिया तो USB 2 में लगाऊंगा। तो अधिकतर 90 से 95% USB 1 में सॉफ्टवेयर किया जाता है, तो USB 1 में मैं लगाऊंगा दोस्तों इसको। एक दो बार दोस्तों पहले इसको निकालूंगा डालूंगा, कभी कभी होता है कि जंग मॉइस्चर लगा रहता है। जो भी बनाता हूं दोस्तों, मैं लाइव ही वीडियो बनाता हूं, मैं एडिटिंग नहीं करता, जैसा भी मैंने वीडियो वैसे यूट्यूब पर डाल देता हूं। तो मैं एक दो बार इसे निकाल लेता हूं, जंग मॉइस्चर होगा तो सही हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि अभी इसको लगा दिया 1 में और फिर AC करंट दूंगा दोस्तों। तो आप देखने का कोशिश करेंगे, अब यहाँ पे लाइट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लाइट आ चुका है, अब देखिए सॉफ्टवेयर होना स्टार्ट हो गया है। अब देखने का कोशिश करेंगे, हमने कुछ नहीं दबाया। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं लेता तो पावर ऑन का बटन दबा के फिर एसी करंट लगाता दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिक ही ले लिया। तो इसमें 3 बार दोस्तों ये पेन ड्राइव द्वारा सॉफ्टवेयर, 3 बार ये सॉफ्टवेयर होगा, अपग्रेड होगा और बर्निंग मोड में से नहीं जाएगा, क्योंकि ये 3 बार अपग्रेड करता रहता है और फिर उसके बाद होगा। अभी तो ये 16% हुआ है, नीचे 10% 12% हुआ है दोस्तों। 3 बार रीड एंड राइट करेगा फिर ये अपग्रेड होगा। तो समय को जाया न करते हुए वीडियो को थोड़ा सा प्यूज करते हैं, फिर आपको लाइव ही दिखाते हैं दोस्तों। इस पर देखना, चालू करो। तो कैमरामैन थोड़ा दिखने का कोशिश करेंगे, अब ये सॉफ्टवेयर जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट हो गया। अब लिखा है अपग्रेड सक्सेस, प्लीज रिबूट द मशीन। तो दोस्तों अब ये ऑटोमेटिक चालू बंद होगा और फिर ये आपको दिखाएंगे। तो जो
तो दोस्तों देखने का कोशिश करेंगे, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप भी जब भी सॉफ्टवेयर करेंगे तो तरह तरह के सिम्टम आता है। अभी भी ये इन्फो अपग्रेड में रुका हुआ है, तो अभी ये 2-3 मिनट तक इसी तरह सर्चिंग करेगा, फिर ये होगा दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा प्यूज़ करते हैं, देखने का कोशिश करेंगे ये। तो दोस्तों ये अपग्रेड सक्सेस हो गया, प्लीज़ रिबूट मतलब चालू बंद करने के लिए दोस्तों कर रहा है। और जब भी सॉफ्टवेयर होता है तो दोस्तों ये ब्लिंक करने लगता है कंटिन्यू, रेड ग्रीन होगा। अगर एक बत्ती वाला है तो एक बत्ती चालू बंद ऐसे होगा, टीवी चालू बंद नहीं होगा दोस्तों, ये इंडिकेटर जो है चालू बंद यानी बंद चालू होगा। और दो बत्ती वाला है तो दो बत्ती कंटिन्यू करेगा। इसमें ब्लू और रेड है, ब्लू रेड। कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा कैमरा में, हालांकि उतना दिख रहा होगा कि नहीं। तो देखने का कोशिश करेंगे, दो लाइट कंटिन्यू जल रही है, दो लाइट दोस्तों कंटिन्यू जल रही है, ब्लू रेड। तो इसका मतलब ये कि हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल्ली हो गया है। तो मैं क्या करूँगा कि टीवी को यहाँ से एसी करंट को निकाल दूँगा दोस्तों। तो एसी करंट हमने निकाल दिया, और पेन ड्राइव को दोस्तों रिमूव कर देना है यानी निकाल देना है। निकालने के बाद दोस्तों इसको लगा देना है एसी करंट को। तो हमने लगा दिया है दोस्तों एसी करंट, तो अभी इसमें ये चालू हो गया टीवी। अब उसमें 3840 है, 3840 2160 रेजुलेशन है यानी 4K है दोस्तों। तो अब ये विजिटम शेयर का आया है, तो मैं इसको 4K मोड पे कर दिया, तो ये 4K है। अब देखने का कोशिश करेंगे, 1-1.5 मिनट तक दोस्तों ऐसे विजिटम शेयर करता रहेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों तो मेरे पास इसका यूनिवर्सल रिमोट ले लेते हैं, हालांकि ये जिसका है कस्टमर ने हमें रिमोट नहीं दिया था, कोरियर द्वारा दोस्तों ये बोर्ड आया हुआ है, कोरियर द्वारा मिस्टेक में कस्टमर से रिमोट भूल गया था, वो रिमोट नहीं दे पाए थे। तो मैं क्या करूँगा कि यूनिवर्सल रिमोट इसमें लगाऊँगा। अगर दोस्तों यूनिवर्सल रिमोट नहीं है तो उसके लिए पेन ड्राइव आपके पास यूएसबी होना चाहिए, माउस होना चाहिए। वो यूएसबी में लगा कर इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, इससे माउस से भी अलाउ कर सकते हैं, नहीं तो यूनिवर्सल रिमोट से करेंगे। देखते हैं अभी क्या होता है, रिजल्ट आपके सामने ही आने वाला है। जो भी बनाता हूँ दोस्तों, लाइव ही वीडियो बनाता हूँ, तो द बूट सेटिंग ये मोड आया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें माउस लगा लूँगा दोस्तों। दोस्तों ये हमारे पास ये माउस है, तो मैं क्या करूँगा कि माउस लगा लूँगा यूएसबी वन में लगा लूँगा दोस्तों। कभी भी काम करें तो यूएसबी वन में लगा लिया मैंने, और माउस से अलाउ करूँगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लिश मांग रहा है, तो थोड़ा कैमरामैन इस पर फोकस कीजिएगा, इस पर टीवी पे। तो ये इंग्लिश मांग रहा है तो इंग्लिश करेंगे, अलाउ हो जा भैया, इंग्लिश कर दिया हमने ये। हालांकि दोस्तों माउस एक बार काम किया उसके बाद माउस नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि रिमोट से मैचिंग करूँगा दोस्तों। तो रिमोट से मैच करके इससे अलाउ करूँगा दोस्तों। तो ये अलाउ कर रहा हूँ दोस्तों, होम आया तो होम पेज करता हूँ। तो दोस्तों होम पेज मैंने कर दिया, अब इसका होम पेज आ गया। तो देखने का कोशिश करेंगे, कभी भी दोस्तों अगर आपके पास माउस हो तो माउस से कर दीजिए। हालांकि एक बार इसका माउस काम किया था, अधिकतर माउस से भी मैं काम कर देता हूं। और यूनिवर्सल रिमोट होना चाहिए ऐसा, इसमें पेयरिंग मोड होता है, 10 बटन तक होती है, इसमें एक दबाकर फिर माइनस प्लस दबाइए, दो दबाइए, किसी भी बटन से पेयर हो जाता है। तो पेयर करने के बाद मैंने अलाउ करके आगे बढ़ के इसका लोगो हैंग से निकाल दिया बाहर। तो आप देखने का कोशिश करेंगे कि हमने यूएसबी द्वारा हमने इसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया। तो कभी भी दोस्तों निराश ना हो, हर चीज़ का समाधान इंसान ही बनाया है और इंसान ही हल निकालता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।